हेलो फ्रेंड्स, और हम लोग ने परसों एक पाउडर बनाया था, वॉशिंग पाउडर 2600 रुपये केजी का। तो मैंने उसका भी वीडियो अपने चैनल पे डाला है और काफ़ी लोगों को वो पसंद आया वीडियो, और उन लोगों ने काफ़ी मेरे पर अप्रिशिएट किया। उसमें फोमिंग काफ़ी अच्छी थी, 2600 रुपये केजी का हमने वॉशिंग पाउडर बनाया था। और उसके बाद मेरे पास कई लोगों की डिमांड आई है कि एक वीडियो सर और बना दीजिए कि जिसमें थोड़ी उसी वॉशिंग पाउडर की, 2600 रुपये केजी वाले वॉशिंग पाउडर की थोड़ी सफाई भी दिखे। तो फिर मैंने सोचा कि आज ही मैं इसको करता हूँ। और मैंने देखिए, इसमें एक नॉर्मल सा जो डब्बा होता है बाज़ार में मिलता है, या आप ये देख सकते हैं, इसमें मैंने एक अपना नॉर्मल पानी भरा हुआ है। देखिए, इसमें कोई झाग नहीं है इस पानी में। और देखिए, यहाँ पे लेवल देख सकते हैं, डब्बे के हिसाब से 1/3 पानी मैंने इसमें ले लिया है, ठीक है। और मैं वही प्रोसेस एक बार करूँगा कि मैं इसको इसमें ज़रा सा वॉशिंग पाउडर डाल देता हूँ। देखिए, बिल्कुल चुटकी भर वॉशिंग पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है डब्बे में। और मैं फिर से एक बार झाग बना के आपको दिखा देता हूँ। मैंने देखिए, मैं भी इसमें फिर से झाग बना देता हूँ। और ये झाग बनाने के बाद इस बार मैं इस डब्बे में थोड़ा सा, एक गंदा कपड़ा है मेरे पास, मैं इस कपड़े को डालूंगा। इससे मैं टेबल वेबल पोछता हूँ, इस गंदे कपड़े को डालूंगा। और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि सफाई इसमें कैसी हो रही है इस कपड़े की। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए इसमें झाग कितनी ज़्यादा बन रही है डालने के बाद ही। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि झाग लगभग आधे डब्बे से ऊपर हो गई है अब। ये देखिए, बिल्कुल मैंने चुटकी भर पाउडर डाला है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं डाला है। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि इसकी फोमी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। ये देखिए आप, ये देखिए डब्बा एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करता है। अब इस डब्बे में देखिए, मैं आप इसकी झाग देख सकते हैं, देखिए कितनी ज़्यादा होगी, पानी यहाँ है और झाग देखिए कितनी ज़्यादा होगी पानी से। अभी मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी इसमें, बिल्कुल। देखिए, अब मैं ये गंदा कपड़ा, ये देख सकते हैं बहुत मटमैला सा कपड़ा है, इससे मैं नॉर्मल सफाई करता हूँ अपनी टेबल की। इस कपड़े को मैं इस वॉशिंग पाउडर में डाल दूंगा। देखो, बहुत ज़्यादा मुझे सोप करने की इसको ज़रूरत नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए मैंने इसको कपड़े के अंदर डाल दिया है। और देखिए, मैं जैसे जैसे इसको हिला रहा हूँ, आप देखेंगे कि पानी का कलर चेंज होता जाएगा। ये देखिए, ये पानी का कलर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये सफाई कर रहा है। ये देखिएगा, जैसे जैसे मैं इसको इसमें हिलाता जाऊँगा, पानी और मटमैला और काला होता जाएगा। ये देखिए, आप पास से देख सकते हैं जूम इन करके। तो ये हमको ये दिखाता है कि हमारा पाउडर सफाई कर रहा है। अभी को एक मिनट भी नहीं हुआ इस कपड़े को डुबाए, और आप देख सकते हैं कि हर मिनट ये मैल को कैसा साफ कर रहा है। ये देखिए, कितनी देर में इसको हिलाता रहूंगा, ये और काला होता जाएगा पानी। बस मेरे को ये छोटा सा एक और वीडियो बनाना था ये दिखाने के लिए कि जो हम लोग वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं, इसकी सफाई, इसका झाग और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और ये जो भी वॉशिंग पाउडर आते हैं, जैसे घड़ी, व्हील, फेना और इन सब के सेगमेंट का, जो 50 से 55 रुपए के सेगमेंट का वॉशिंग पाउडर है, इसमें ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ में आता है। इससे ऊपर भी हम लोग क्वालिटीज़ बना सकते हैं और इससे नीचे भी बना सकते हैं, पर ये एक ऐसी क्वालिटी हम लोगों ने डेवलप करी है कि जो चीज़ आपकी बजट में हो, रेंज में हो, साथ में आप अपनी स्कीम लगा सकें, आप आगे डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को अच्छा मार्जिन दे सकें और अपनी सेलिंग कर सकें। क्योंकि जैसे जैसे मैं इसको और हिलाता जा रहा हूँ वॉशिंग पाउडर को, ये देखिए, आप मैं जूम करवा देता हूँ, ये देखिए मैल देखिए काला होता जा रहा है। तो जो भी कपड़े का मैल है सब पानी में आता जा रहा है, ये हर मिनट देखिए सफाई कर रहा है। और इसमें देखिए अब भी झाग बनी हुई है, सफाई करते के साथ भी झाग बनी हुई है। तो यही चीज़ आप अपने बकेट में, अपनी वॉशिंग मशीन में परफॉर्म कर सकते हैं। बस थैंक यू, मुझे बस यही डेमोन्स्ट्रेट आज करना था। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।